गुड मॉर्निंग फ्रेंड्स करेंसी प्री मार्केट एनालिसिस पे आप सभी का स्वागत है आज है एट ऑफ नवंबर 2023 वेडनेसडे एंड आई एम योर होस्ट आशीष बड़वा आइए देखते हैं कि कल करेंसीज में क्या क्या एक्टिविटीज हुआ है और यहां से हम क्या एक्सपेक्ट कर सकते हैं उसके लिए चार्ट में चलते हैं डॉलर इंडेक्स जो है अभी हंड्रेड लेवल पे मंथली आर बिलो सिक्सटी टेकिंग रेजिस्टेंस एट सिक्सटी कमिंग डाउन

प्रीवियस जो सपोर्ट था 105.60 उसके आसपास रेजिस्टेंस ले रहा है अभी हमें देखना है क्या ये यहाँ पे रेजिस्टेंस लेके फिर स्विंग लो को तोड़ता है स्विंग लो मीन्स जो आपका सिक्स ऑफ नवंबर को रेजिस्टेंस हुआ था उसको तोड़ के नीचे के तरफ आता है दैट इज वन पॉसिबिलिटी अगर ये होता है तो इन सच ए केस वी कैन एक्सपेक्ट ए स्ट्रॉन्ग सेल ऑफ डॉलर रुपी

और इन्वर्टेड पिन बार बनाया हुआ था इसके नीचे एक सेल ऑफ था एंड वो सेल ऑफ आया है अभी what next? What next अभी आपका व्हाट व्हाट नेक्स्ट नेक्स्ट में देखना है क्या ये इस लेवल पे थोड़ा सा साइज कॉन्सोलीट करके फिर ऊपर की तरफ जाने का प्रयास करते हैं या नहीं समथिंग लाइक दिस नेक्स्ट इज योर जीबीपी बी आई भी भी, रेजिस्टेंस लाइन है ट्रेंड लाइन है उसको वहीं पे टच करके फिर नीचे के तरफ आया इन्वर्टेड पिन भर के लोगों के नीचे का एक्सपेक्टेशन था तो वहां पे एक सेल्फ आया था रेदर सेल का एक्सपेक्टेशन था और यहाँ पे एक सपोर्ट लेवल भी था हमें देखना था कि ये सेलिंग करते हैं एंड या इस सपोर्ट लेवल पे जो प्रीवियसली रेजिस्टेंस था उसमें सपोर्ट लेके बाउंस बैक करता है लेकिन कल ये बाउंस बैक किया नहीं है रेदर नीचे की तरफ आ चुका है अभी हमें ये देखना है कि कब ये दोबारा दोबारा ये बाउंस बैक करके आपका सिक्स का हाई को तोड़ता है सिक्स sixth... सिक्स नवंबर का हाई को तोड़ते हैं इन सच ए केस एक अपवर्ड मूवमेंट हम एक्सपेक्ट कर सकते हैं यूरो डॉलर यूरो डॉलर जो मंथली है वो साइडवेज है वीकली है वो भी साइडवेज है एंड डेली का जो चार्ट है आपका वहां पे ये सिक्स नवंबर का जो बिग बुल कैंडल था उसको फॉलो थ्रू नहीं दिया सेलफ लेकिन सपोर्ट जोन था वहां पर सपोर्ट लेना था या नहीं लेना था वो देखना था अभी ये प्राइस रिजेक्शन एट द लोअर एंड यानी यहाँ पे ये सपोर्ट लेने का प्रयास कर रहे हैं सो देर मे बी ए हायर पॉसिबिलिटी की ये सपोर्ट लेके फिर नवंबर को हाई को तोड़े एंड ऊपर की तरफ जाने का प्रयास कर सकते हैं थर्ड नवंबर यूरो यूरो का था उसके बाद फॉलो थ्रो चाहिए था जो फॉलो थ्रो हुआ नहीं एक इन्वर्टेड पिन बार बनाया इन्वर्टेड बार के नीचे एक सेलिंग एक्सपेक्टेड था लेकिन इमिडिएटली जो ब्लैक कलर का लाइन है यहाँ पे एक सपोर्ट जोन था इस सपोर्ट जोन को सपोर्ट लेके ऊपर की तरफ बाउंस बैक करना था या सपोर्ट को ब्रेक डाउन करके नीचे की तरफ मीन और भी नीचे प्रोसीड करना था ये हमें देखना था कल का जो प्राइस एक्शन है वो है एक स्पिनिंग Type of candle, spinning top candle, जिसका मतलब मतलब ये इसका का इसके high के उपर, for, continuation, low के ऊपर नीचे थोड़ा सा हम कर सकते हैं लेकिन यहाँ पे अभी भी higher, higher low formations जारी है सो बाई डिप्स में बाइंग अपॉर्चुनिटीज हम ले सकते हैं उसके बाद डॉलरियन डॉलरियन आप देखोगे ये जो आपका ट्रेंड लाइन सपोर्ट है वहां पे सपोर्ट लेके ऊपर की तरफ गया है इसको डैमेज कर नहीं पाया एक एक्सपेक्टेशन यही था कि सिक्स नवंबर के लो के नीचे अगर प्राइस सस्टेन करते हैं इन सच केस एक सेलिंग अपॉर्चुनिटीज हम देख सकते हैं लेकिन वैसा कुछ कैंडल फॉर्मेशन हमने देखा नहीं है और अगर हम इसमें ट अच्छा कर सकते हैं और उसी का एक कॉन्ट्रा ट्रेड ये है कि इस विकली कैंडल के हाई के ऊपर एक अच्छा खासा अपवर्ड मोमेंटम हम एक्सपेक्ट कर सकते हैं सो so, यहाँ पे विकली में हमें पिछले हफ्ते का जो हाई एंड लो दोनों बिकम्स वेरी इम्पोर्टेंट हाई के ऊपर ऊपर की तरफ कंटिन्यूशन लो के नीचे एक सेलिंग अपॉर्चुनिटीज हम एक्सपेक्ट कर सकते हैं डेली में यहाँ पे ये मदर कैंडल बिकम्स वेरी इंपॉर्टेंट क्योंकि ये बहुत बड़ा कैंडल बना है एंड उसके बाद पिछले पांच दिन फाइव आज सिक्स डे इस मदर कैंडल के रेंज के अंदर में ही सस्टेन कर रहा है सो so, इसका जो रेलेवेंस है बहुत ही जबरदस्त है क्या जबरदस्त है हाई के ऊपर कंटिन्यूएशन लो के नीचे सलफ अभी एन 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 ये एन 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 सिमिलर लाइन एंड लेंथ में हमारा एनालिसिस रहेगा क्या एनालिसिस डॉलर एन के तरह ही ये 31st अक्टूबर का जो मदर कैंडल है इट बिकम्स अ वेरी क्रूशियल एंड इंपॉर्टेंट कैंडल क्यों मेन रीजन उसके बाद 5 दिन पिछले पांच दिन इस मदर कैंडल के रेंज के अंदर में ही सस्टेन कर गया सिक्स्थ डे यहीं पे अभी आज सिक्स्थ डे चल रहा है सो so, ये जो आपका मदर कैंडल थर्टी फर्स्ट अक्टूबर का है इट हैज मच रिलीवेंस क्या रिलीवेंस है हाई के ऊपर ऊपर की तरफ कंटिन्यूशन लो के नीचे फर्दर सेल ऑफ हम एक्सपेक्ट कर सकते हैं डॉलर कैंडी डॉलर कैंडी में आप देखोगे यहाँ पे हमारा जो एक्सपेक्टेशंस था ये पिन बार के बाद कौन सा फर्स्ट नवंबर के पिंड भर के बाद हमारा ये एक्सपेक्टेशन था कि 1.36 का एक आ सकता है लेकिन ये नेरोली मिस किया वन पॉइंट से फिर बाउंस बैक किया अभी हमें देखना है दो अपॉर्चुनिटी ये जो सेल ऑफ आया उसके बाद यहाँ पे गया फिर ये लो को तोड़ता है तो एक अच्छा खासा सेल ऑफ हम एक्सपेक्ट कर सकते हैं एक दूसरा ये जो कल का एक स्ट्रॉन्ग बुलिश कैंडल बनाया हुआ है तो यहाँ पे इंट्राडे डेपज में मिनट्स के प्राइस एक्शन पे क्या हमें डब्ल्यू टाइप का, का एक पैटर्न मिलता है तो एक अपवर्ड इंट्राडे डे पर्पज में एक कंटिन्यूएशन हम एक्सपेक्ट कर सकते हैं अभी आते हैं औसी डॉलर ऑसी डॉलर में आप देखोगे ये जो फिर नीचे की तरफ आ रहा है सो so, ये जो रेंज आप देखोगे रेक्टेंगुलर रेंज है इट बिकम्स मच रिलेवेंस अभी प्राइस को इसके अंदर से बाहर निकल रहा है काफी टाइम से ये अंदर में ही घूम रहा है अभी हम थोड़ा सा वीकली एंड मंथली में देख लेते हैं मंथली में ये 40 पे सपोर्ट लेके ऊपर जाने का प्रयास कर रहे हैं सो so, यहाँ पे एक बेस आउट फॉर्मेशंस हो रहा है वीकली में ये जस्ट सेंटर बैंड में रेजिस्टेंस लेके नीचे की तरफ आ रहे हैं दैट बीइंग द केस सेंटर बैंड में लेके रेजिस्टेंस लेके आ रहे हैं तो क्या ये थोड़ा सा फिर इस रेंज में आता है एक प्रोबेबिलिटी अगर आता है तो फिर लोअर रेंज में टच करके फिर कंसोलिडेट करेगा देन अगेन वी नीड टू रिव्यू क्या ये ऊपर की तरफ जाएगा या नीचे की तरफ जाएगा फर्स्ट प्रोबेबिलिटी सेकेंड प्रोबेबिलिटी यहाँ पे ये जो आपका सिक्स नवंबर का हाई है ये उसके ऊपर तोड़ना तो पहले हमारा क्या क्या था था या में में कि इस resistance end में जो है इसको तोड़ के ऊपर की तरफ अगर जाता है उसके बाद बाउंस बैक करके सपोर्ट लेके फिर हाई को तोड़ता है इन सचे केस हमें एक अच्छा खासा अपवर्ड मूवमेंट देख सकता है लेकिन वैसा कुछ हुआ नहीं है तो अभी हमें देखना है एक प्रोबेबिलिटी ये जो नीचे आया है उसके बाद हाई को तोड़ता है इन सच ए केस एक अच्छा खासा इक्विवेलेंट पॉइंट सिक्स फाइव टू फाइव एंड पॉइंट सिक्स थ्री टू फाइव दो बिगी का टू हंड्रेड पिप्स का एक अपॉर्ड मोमेंटम हम एक्सपेक्ट कर सकते हैं अगर ये बाउंस बैक करके ऊपर के तरफ सिक्स नवंबर के हाई को स्ट्रांग कैंडल के साथ ब्रेक करता है एंड फॉलो थ्रो देता है सी एन थोड़ा सा स्ट्रेंथ दिख रहा है सी में लेकिन अभी भी ये सपोर्ट ये जो सपोर्ट जोन है वहाँ पे ये इंतजार कर रहे हैं सो so, यहाँ पे हमें जस्ट प्राइस को देखना है दो चीज एक है इंटरवेंशन सी एन सीएनएच को फर्दर डेप्रिश होने से रोकने के लिए दूसरा वाला है चाइनीज इकोनॉमी अच्छा परफॉर्म करना अभी तक चाइनीज इकोनॉमी ऐसा कुछ अच्छा परफॉर्म करना चालू नहीं किया है ब्रांड क्रूड बैंड को में आप देखोगे पिछले कुछ दिनों का मेरा जो एनालिसिस वहां पे हमारे पास तीन लेवल था एक लेवल था आपका 87 इज सपोर्ट दूसरा लेवल था आपका 84 इज द सपोर्ट एंड ऊपर की तरफ एक रेजिस्टेंस था 94 इज द रेजिस्टेंस तो पहले 87 को तोड़ के जब तोड़ा था तो हमारा ये एक्सपेक्टेशंस था कि 84 के टच करता है यानी यहां पे टच करके अभी ब्रेक करने के लिए चालू कर रहा है दैट इन सच ए केस हम क्या करेंगे थोड़ा मंथली एंड वीकली भी नजर ले लेते हैं मंथली पे ये सेंटर बैंड में रेजिस्टेंस लेके नीचे की तरफ आ रहा है प्लस ये रेंज शिफ्ट भी है इन सच ए केस लॉन्गर टाइम फ्रेम पे देयर आर हायर पॉसिबिलिटीज के ये 72 जो स्विंग लो है 7150 से 72 ये ब्रेंड क्रूड फ्यूचर का है तो ये जो आपका मे महीने का मे जून का जो लो था उसको लो को आने वाले महीनों में इस लो को टच करने का हायर प्रोबेबिलिटीज है पहला बात अगर कोई न्यूज फ्लो डिस्टर्ब नहीं करते वीकली में भी रेन शिफ्ट देख के नीचे आया है यहाँ पे दो दो शिफ्ट है एक है मंथली टाइम फ्रेम शिफ्ट एंड येम शिफ्ट अभी ये जो स्विंग लो था इसके लो के नीचे जा रहा है That being the case, there are again, वीकली में भी ये 7150 से 72 के तरफ जाने का higher possibilities है ओनली वन एक्सेप्शन क्या एक्सेप्शन है कोई तो फर्दर नेगेटिव न्यूज आपका मिडिल ईस्ट का जो इश्यूज है वो कुछ फर, फर्दर एग्रीवेट नहीं होना चाहिए

दूसरा प्रोबेबिलिटी डायरेक्टली नीचे के तरफ फॉलो थ्रू देने का एंड तीसरा प्रोबेबिलिटी क्रॉलिंग करने के बाद यानी थोड़ा सा टाइम पास करने के बाद लो को तोड़ने का अभी यहाँ पे डायरेक्टली नीचे के तरफ जाने के लिए कोई ट्रिगर नहीं है क्योंकि फिर अभी तक क्लियरली बोला नहीं है कि मैं रेट कट करने वाला हूँ ऐसा कोई इंडिकेशन है नहीं तो स्ट्रेट फॉरवर्ड जाने का कोई सवाल ही नहीं था एज फॉर द प्राइस एक्शन यहाँ पे अगर थोड़ा सा टाइम पास करता है उसके बाद लो को तोड़ता है इन सच केस एक स्ट्रांग नेगेटिव कैंडल हम एक्सपेक्ट कर रहे हैं एंड वही है, हो रहा है यहाँ पे देर आर हायर पॉसिबिलिटीज जैसे ही फ्राइडे का लो के नीचे सस्टेन करना चालू करेगा इन सच ए केस एक अच्छा खासा सेल ऑफ हम एक्सपेक्ट कर सकते हैं वो सेल ऑफ में भी हमें जो नेक्स्ट इमीडिएट आपका सपोर्ट लेवल हो सकता है वो है आपका दिस लेवल ये ये वाला लेवल यहां पे एक सपोर्ट हो सकता है स्ट्रेट डायरेक्ट शार्प मूवमेंट हम एक्सपेक्ट नहीं करेंगे जब तक रेट कट का कोई ओपनली डिक्लेयर नहीं करते तो यहाँ पे फेज वाइज ग्रेजुअली मूवमेंट होगा अभी यूएस टू ईयर ट्रेजरी यूएस टू ईयर ट्रेजरी में क्या था यहाँ पे हायर हाइस थे लोअर हाइस थे एंड लोअर लोस थे यहाँ पे फर्स्ट कंडीशन ये था जो रिसेंट स्विंग हाई है उसको तोड़ना नहीं है लास्ट जो एरो है इसको तोड़ना नहीं है उसके बाद यहाँ पे एक ट्रेंड लाइन सपोर्ट है उसको तोड़ के नीचे आया फॉलो थ्रू नहीं दिया लेकिन ऊपर की तरफ बाउंस बैक किया ऊपर की तरफ जब ये बाउंस बैक किया, तो ये trend line जो support पहले था, अभी trend line resistance के तरह behave करना चाहिए। इन यहां पे लेके फिर नीचे की तरफ आएगा। नीचे की तरफ जब आएगा पहला सेल ऑफ होगा ये ग्रीन कैंडल के, के, के लो के नीचे यानी सिक्स नवंबर के लो के नीचे एंड फर्दर स्ट्रॉन्ग एक सेल ऑफ आ सकते हैं अगर ये थर्ड नवंबर के लो के नीचे जाते हैं सो so, करेंसी प्री मार्केट एनालिसिस अभी के लिए इतना ही अभी हम क्या करेंगे एक करेंसी इन ए कर लेते हैं करेंसी इन ए डेटेड एट ऑफ नवंबर डॉलर इंडेक्स जो थर्ड नवंबर में एक स्ट्रांग ब्रेक डाउन किया था फॉलो थ्रो नहीं दिया मंडे ऑनवर्ड्स रेदर ये ऊपर की तरफ पुल बैक किया अभी रेजिस्टेंस कहाँ पे मिलना है प्रीवियस जो सपोर्ट था

डॉलर जीबीपी डॉलर ये जो फ्राइडे का स्ट्रांग बुल कैंडल था उसके ऊपर फॉलो थ्रो नहीं दिया रेदर सिक्स नवंबर के एक इन्वर्टेड पिन बार दिया इन्वर्टेड पिन बार के लो के नीचे एक सेलिंग था एंड हाई के ऊपर फॉलो थ्रो था लो के नीचे जब सेलिंग है इमीडिएटली एक सपोर्ट जोन था आपका 1.23 से 1.2330 इसको भी ब्रेक डाउन किया है तो यहाँ पे हल्का सा सॉफ्टनेस हल्का साफनेस हम एक्सपेक्ट कर सकते हैं जीबीपी डॉलर पे यूरो डॉलर पे लेकिन यहाँ पे हायर हायर लो फॉर्मेशन हो रहा है जो फ्राइडे का स्ट्रॉन्ग बुल कैंडल था उसके हाई के ऊपर फॉलो थ्रू नहीं दिया रेदर एक छोटू सा पिन बार बनाया इन्वर्टेड पिन बार बनाया जो जिसके कारण लो के नीचे एक सेल ऑफ होना चाहिए था लेकिन इमिडिएटली एक सपोर्ट जोन था क्या था वन पॉइंट से वन के बीच में प्राइस वहीं पे सपोर्ट लेके ऊपर जाने के लिए एक प्रोबेबिलिटी है इसका मेन कारण क्या है कल के दिन जो ये नीचे ट्रेड किया था आपका 1.066 पर लेकिन सस्टेन नहीं किया एंड प्राइस नीचे के तरफ रिजेक्ट किया इन सच ए केस दे आर हायर पॉसिबिलिटीज कि यहाँ पे बाउंड सपोर्ट लेके फिर ऊपर के तरफ जाए अगर ऊपर के तरफ जाते हैं इन सच ए केस जो सिक्स नवम्बर का हाई है उसके ऊपर एक शार्प अपवर्ड मूवमेंट हम एक्सपेक्ट कर सकते हैं डॉलर डॉलर वाला चीज क्या है यही ये ये है कि थर्टी फर्स्ट नवंबर का जो मदर कैंडल है उसके अंदर में पांच दिन सस्टेन कर चुका है एंड आज ये सिक्स डे है केस द इम्पोर्टेंस ऑफ दिस मदर कैंडल इसके हाई के ऊपर फर्दर ऊपर की तरफ अपवर्ड जर्नी हम एक्सपेक्ट कर सकते हैं एंड लो के नीचे एक फर्दर सेल ऑफ हम एक्सपेक्ट कर सकते हैं सो so, यहाँ पे और एक इंपॉर्टेंट कैंडल है लो के नीचे एक छोटा ए, सेलिंग हम एक्सपेक्ट कर सकते हैं जो सेलिंग अगर थर्टी फर्स्ट अक्टूबर के लो के नीचे फॉलो थ्रू देता है इन सच ए केस यहाँ पे एक अच्छा खासा से स्ट्रॉन्ग सेलिंग हम देख सकते हैं लेकिन हाई के ऊपर 31st अक्टूबर के हाई के ऊपर एक जबरदस्त बाइंग हम एक्सपेक्ट कर सकते हैं डॉलर रुपए एज यूजुअल साइडवेज कंसोलिडेशन चल रहा है तो ऊपर के तरफ आपका 83 30 83 35 में अच्छा खासा इनविजिबल हैंड्स का प्रेजेंस देख रहे हैं नीचे के तरफ आपका इवन 83 10 के नीचे भी नहीं आ रहा है मंडे को एक आपका 83 13 14 के आसपास ओपनिंग दिया था लेकिन फिर ऊपर जाके क्लोज दिया 83 22 23 के तरफ सो so, ये साइडवेज कंसोलिडेशन जारी है हमें अभी इंतजार करना पड़ेगा दो इंतजार एक इंतजार इनविजिबल हैंड्स थोड़ा रेस्ट लेंगे थोड़ा सा पॉज लेंगे इन सच केस ऊपर की के तरफ जाएगा और नहीं तो एक अच्छा खासा इनफ्लोस मार्केट को हीट होना चाहिए अगर इनफ्लो डाउन करना चाहिए उसके बाद फर्दर हम एनालिसिस करेंगे अभी फर्दर एनालिसिस करके फायदा नहीं है बिकॉज ये रेंज बाउंड मार्केट में ही चल रहा है सो so, ये हो गया आपका करेंसी इन डेटेड एथ ऑफ नवंबर ये प्रेजेंटेशन अभी के लिए इतना ही आशा करता हूं आपको अच्छा लगा होगा टिप्स लाइक कीजिए कॉमेंट कीजिए शेयर कीजिए अमर फ्रेंड सर्कल थैंक यू एंड हैव ग्रेट डे है